एक मेरा सीन है जिसके अंदर सरमल जो मेरा दोस्त बना हुआ है वो मुझे चीट करके भागता है और मैं बहुत खुश होता हूँ एक रात पहले कि कल से मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और मैं एक शेख चिली वाला एक क्या कहते हैं उसको माइंड में एक इमेज जो है वो कैप्चर करके बैठा हुआ हूँ कि हाँ मैं गाड़ी लूँगा बंगला लूँगा ये करूँगा वो करूँगा और अगले दिन जब वो जाते तो शॉप पर कोई और बैठा हुआ होता है और उसके साथ फ्रॉड हो गया होता है। तो जब वो घर आता है तो वो अपनी अम्मी से बात कर रहा है, वो अपनी जो मरियम कैरेक्टर है जो उसकी वाइफ है उसको वो बताता है, उससे लड़ता है झगड़ता है, वो एक मतलब वो अपने हवास खो बैठता है वहाँ पे आके। तो वो सीन थर्ड फोर्थ एपिसोड का है, तो वो मेरा फेवरेट सीन है, वो मुझे करके भी बहुत मज़ा आया था एंड आई एम श्योर लोग देखेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मुश्किल नहीं था बट चैलेंजिंग था, एक एक्टर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता और रमशा खान क्योंकि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी परफॉर्मर है, तो जब उसके साथ मैं परफॉर्म कर रहा था तो मुझे कोई भी हमारा सीन जो था वो बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत आराम से हम लोग एक अच्छी केमिस्ट्री बना के उसको परफॉर्म करते थे। बट बहुत सारे ऐसे सीन है जिसके अंदर मैंने उसको उस पर हाथ उठाया है, उसको मारा भी है और इस तरह के सीन है जिसके अंदर मैं उसको फिज़िकली अब्यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह के सीन करने के लिए आपकी दूसरे एक्टर के साथ दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। अगर बीच में आपके जो है वो थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होगी या कोई भी आपकी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आपस में तो वो सीन नहीं बनेगा। बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरी उससे दोस्ती हुई और हमने बहुत एक अच्छे फैमिली माहौल के अंदर हमने उस सीन को परफॉर्म किया।